गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनिमल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला कोई भी क्रिया जो अन्य जंतुओं को प्रभावित करती है तो उसे हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर जंतुओं के द्वारा रिसीव किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वातावरणीय स्टिमुलस के प्रति दिया जाने वाला रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है, उसी को अपन एनिमल बिहेवियर के नाम से जानते हैं। बिहेवियर जंतुओं में दो प्रकार का बिहेवियर देखा जाता है, इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर। इनेट बिहेवियर से मतलब है कि जंतु इस टाइप का व्यवहार जन्मजात गुण की वजह से प्रदर्शित करते हैं, यानी जंतुओं के अंदर इस व्यवहार का नियंत्रण जीन के द्वारा किया जाता है तथा ये व्यवहार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है, स्थानांतरित होता है। जबकि इनेट जो लर्न बिहेवियर है, इसमें जंतु अपने सजातीय सदस्यों को देख करके उनके साथ रह करके बिहेवियर को सीखता है। तो इस आधार पर बिहेवियर दो प्रकार के होते हैं, इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर। यदि इनेट बिहेवियर के बारे में बात करें तो इसमें अलग अलग फॉर्म है, जैसे इंस्टिंक्ट बिहेवियर, जिसमें कि जो जैसे जंतुओं के स्तनधारियों के अंदर पाई जाने वाली जो पेरेंटल केयर है, जिसमें कि मेल फीमेल या फीमेल जंतु अपने ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो ये एक टाइप का इंस्टिंक्ट बिहेवियर है जो कि जन्मजात उनके अंदर पाया जाता है। फिक्स एक्शन पैटर्न भी एक प्रकार का इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या इनेट बिहेवियर है, जिसके अंदर जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाले व्यवहार का एक प्रारूप या पैटर्न होता है, जिसको फिक्स एक्शन पैटर्न बोलते हैं, जिसमें ये स्टीरियोटाइप का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है और इसको जंतु अपने सजातीय सदस्यों से सीखते नहीं है, बल्कि ये उनके जीन्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड जो है वो इम्प्रिंटिंग है। जंतुओं में सीखने की जो क्षमता जो होती है वो उनके जीवन काल के कुछ भाग में ही, जिसे क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, उसके अंदर सुग्राही किसी वस्तु या किसी व्यवहार को सीखने की जो सुग्राहिता उस एज के अंदर अधिकतम होती है। उस एज के अंदर सीखा गया व्यवहार उनके जीवन पर्यंत काम में आता है, इसी को अपन इम्प्रिंटिंग बोलते हैं। फिक्स एक्शन पैटर्न, देखो इसमें क्या है कि ये एक प्रकार का इनेट बिहेवियर है जो किसी स्टिमुलस के द्वारा अभिव्यक्त स्टिमुलस ग्रहण करने के बाद में अभिव्यक्त किया जाता है, जो कि बहुत ही जटिल प्रकार का व्यवहार है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैसे पहला जो एग्जांपल है उसके अंदर ग्रे लेग गूज एक बर्ड होती है जो अपने अंडों को देख करके, यानी इनके अंदर उनको पेरेंटल केयर का इनमें लक्षण पाया जाता है, और इनके अंडे लुढ़काने की जो क्रिया है वो एक प्रकार का इनेट बिहेवियर है। ये हमेशा उन अंडों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने का जो बिहेवियर प्रदर्शित करती है वो किसी अन्य जंतु के साथ में सीखा नहीं जाता है, जबकि उनके अंदर इनेट होता है। इसी तरीके से स्टिकल बेकफिश एक समुद्र में पाई जाने वाली एक मछली है जिसके द्वारा टेरिटोरियल बिहेवियर प्रदर्शित किया जाता है। इसमें क्या होता है कि इनके जनन काल में जो मेल जो होता है, इसकी जो बेली जो होती है वो बिल्कुल रेड हो जाती है, और ये मेल अपने अपने टेरिटरी के अंदर अन्य मेल के जो है प्रवेश को रोकता है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेड बेली वाले अन्य जो मेल है जो कि उसके टेरिटरी में आते हैं, ये उनके ऊपर अटैक करता है। तो इनमें जो ये बिहेवियर है वो इनेट बिहेवियर है, क्योंकि इनके द्वारा उनकी टेरिटरी के अंदर मड़ के अंदर जाकर के कुछ घोंसला बनाया जाता है जिसके अंदर फीमेल के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, और इन अंडों की रक्षा जो है इस मेल के द्वारा की जाती है, और ये मेल वो उन अंडों के चारों ओर लगातार अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए घूमता है ताकि ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो सके। तो ये जो बिहेवियर एक प्रकार का इनेट बिहेवियर है जो कि स्टिकल बैकफिश के अंदर ये पाया जाता है। इम्प्रिंटिंग
ट्रिकोसील बर्ड्स के अंदर पाए जाते हैं। ट्रिकोसील बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब अंडों से बाहर निकलते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट को ये चलते हुए देखते हैं उसके पीछे पीछे इनका गमन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो उस समय ये उस चीज को सीखते हैं या उसको उस जो बिहेवियर है उसको अपन इम्प्रिंटिंग बोलते हैं, और ये क्रिटिकल पीरियड में इनके सीखने की ग्राह्यता है जो होती है वो सर्वाधिक होती है। तो इसका अगर एग्जाम्पल ले तो जैसे प्रिकोसियल बर्ड, जैसे ये अंडे देने वाले बर्ड जिनके अंदर बतख वगैरह जो होते हैं, बतख के अंडों से हे छोड़ने के बाद में ये जो इनके बतख के बच्चे हैं जिस रनिंग ऑब्जेक्ट को या जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको देखते उसको पीछे पीछे चलना शुरू कर देते, इसको अपन इम्प्रिंटिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे जो जंतु है वो जन्मजात उनके अंदर बिहेवियर पाए जाते हो, जंतु के द्वारा कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो उनके सजाती सदस्यों के साथ करके रह करके साथ में रह करके सीखा जाता है, उसे अपन लर्न बिहेवियर के नाम से जानते हैं। लर्न बिहेवियर चार प्रकार के, एसोसिएटिव लर्निंग, हैबिचुएशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इनसाइट। देखो सबसे पहले देखते हैं अपन एसोसिएटेड लर्निंग, यानी कि किसी किसी घटना को किसी दूसरी वस्तु के साथ में अटैच करके उसको याद करना जो है वो क्या कहलाता है, एसोसिएटेड लर्निंग कहलाती है। एसोसिएटेड लर्निंग में क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशन और स्पेशियल कंडीशंस को शामिल किया है। क्लासिकल कंडीशन में एल जो पावलो जो है उसका एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसमें उसने कुत्ते के जो मुंह के अंदर लार्वा का सराउंड की जो मात्रा का मापन करके इस कंडीशन क्लासिकल कंडीशनिंग को बताया। इसके अंदर क्या है कि एक डॉग जो होता है उसको एक घंटी के साथ में पहले घंटी बजाए थे उसके बाद में भोजन दिया जाता है, तो और उसकी लार के उसके मुख में स्रावित होने वाली लार का मापन किया जाता है। तो घंटी बजाना जो है वो इसके एक स्टिमुलस होता है जो कि इनके अंदर लार के श्रवण को प्रेरित करता है। तो कुछ समय भोजन जो है वो मुख्य इसके अंदर लार के श्रवण के उनके व्यवहार के लिए एक मुख्य ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कुछ समय बाद में ये इस कुत्ते के अंदर इस टाइप की लर्निंग विकसित हो जाती है कि जब घंटी बजाते हैं तो भी इसके मुंह में से लार आना शुरू हो जाती है। यानी कि जो प्राइमरी स्टिमुलस था उसको सेकेंडरी स्टिमुलस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, और अब घंटी बजाने के बजाते ही कुत्ते के मुंह में लार का श्रवण होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बिहेवियर है उसको अपन बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल एक आपको देना चाहता हूँ कि एक लैब जो होती है उसके अंदर एक एक्वेरियम रखा हुआ है, उस एक्वेरियम में कुछ फिशेज रखी हुई है, और एक रिसर्चर जो जब भी आता है उन फिशेज को खाना देने के लिए उस लैब का गेट खोलता है और लाइट जलाता है, और लाइट जलाने के बाद में उन फिशेज को खाना डालता है। तो खाना जैसे ही एक्वेरियम में खाना डालता है फिश ऊपर की तरफ आ जाती है। तो कुछ समय बाद वो रिसर्चर है वो देखता है कि लाइट जैसे ही जलती है चाहे आप खाना डालो चाहे मत डालो फिशेज जो है ऊपर आ जाती है। इसका मतलब ये एक प्रकार का क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो कि पहले जो मेन जो स्टिमुलस था प्राइमरी स्टिमुलस था उसको केडी स्टिमुलस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस प्रकार का जो व्यवहार है उसको अपन क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से ऑपरेंट कंडीशन के आसपास में जो भी जो सामान पड़ा हुआ या उसके एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप जो कोई वस्तु को देखकर अनुभव करके सीखता है तो उसको ऑपरेंट लर्निंग बोलते हैं। इसके अंदर के लीवर दबा करके एक बिल्ली जो है वो खाना प्राप्त करती है, एक प्रकार का ऑपरेंट लर्निंग के अंदर शामिल किया जाता है। इसी तरह से स्पेशियल कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो जो इंसेक्ट जो होते हैं अपने जो बिल वगैरह जो होते हैं उसकी पहचान के लिए आसपास के जो क्षेत्र है उसकी जो लैंडमार्क्स होते हैं उनको याद कर लेते हैं, इसको अपन स्पेशियल लर्निंग के नाम से जानते हैं। हैबिचुएशन, यदि कोई एक स्टिमुलस बार बार किसी जंतु को दिया जाता है तो उसके प्रति उस स्टिमुलस के प्रति अनुकूलन उत्पन्न हो जाता है, इसको ही हम हैबिचुएशन कहते हैं। जब बार बार स्टिमुलस दिया जाता है तो उसके प्रति उसकी आदत हो जाती है, और जब स्टिमुलस और ज्यादा स्टिमुलस देंगे तो उसके प्रति उसके द्वारा कोई प्रकार का रिस्पॉन्स व्यक्त नहीं किया जाता है, तो इसको अपन हैबिचुएशन कहते हैं। जैसे कि एक क्लास है, क्लास चल रही है और उसके बाहर घंटी बजने पर बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर बार बार घंटी बजाई जाए तो बच्चों के द्वारा कोई रिस्पॉन्स उसके द्वारा नहीं जाता, तो इसको हैबिचुएशन कहते हैं। इसी प्रकार से एक मकड़ी है जिसका जाला है, उसको अगर अपन पेन से बार बार टच करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब पेन से उसको टच करेंगे तो मकड़ी इधर उधर भागती जाले को इधर उधर भागती नजर आती है, लेकिन अगर बार बार अपन
उस पेन से उस मकड़ी के जाले को टच करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि मकड़ी के द्वारा किसी भी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं दिया जाएगा। तो ये जो बिहेवियर मकड़ी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसको हैबिचुएशन कहते हैं। इसी प्रकार ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कि इसमें जो जंतु अपनी किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस को काम में लेकर के जो है उसको व्यवहार को प्रदर्शित करता है, तो इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोलते हैं। जब इनसाइट लर्निंग, जब एनिमल को बिल्कुल ही अलग प्रकार के सिचुएशन में रखा जाए, टोटली न्यू सिचुएशन के अंदर रखा जाए, तो अपने एक्सपीरियंस पहले के एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए वह किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करता है, किसी कार्य को टास्क को पूरा करता है, तो इस प्रकार के इसको इनसाइट लर्निंग बोलते हैं। मोटे रूप से देखें तो बिहेवियर दो प्रकार का बिहेवियर जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इनेट बिहेवियर और लर्न बिहेवियर। इनेट बिहेवियर के अंदर इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग और एफएबी फिक्स एक्शन पैटर्न को शामिल किया गया, जबकि लर्न बिहेवियर में हैबिचुएशन, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, इनसाइट लर्निंग, एसोसिएटेड लर्निंग। एसोसिएटेड लर्निंग तीन प्रकार की होती है, क्लासिकल कंडीशन, ऑपरेटिव कंडीशन और स्पेशल कंडीशन। इसी प्रकार जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति न करके किसी एक ही स्थान पर अपने अंगों को का मूवमेंट जो है वो काइनेसिस कहलाता है, जबकि टैक्सिस के अंदर किसी बाह्य कारक की वजह से जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल देते हैं या अपने अंगों की गति को शो करते हैं तो उसको टैक्सिस कहते हैं। फोटोटैक्सिस के अंदर लाइट जो है और की तरफ जंतु का गमन करते हैं, मतलब कीमोटैक्सिस के अंदर किसी केमिकल के प्रति जंतु आकर्षित होते हैं, तो इसको अपन टैक्सिस, फोटोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। माइग्रेशन, माइग्रेशन में जो जंतु है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, जनन या सुरक्षा के लिए चले जाते हैं, और जब एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो जाती है, एडवर्स कंडीशन खत्म हो जाती है, तो वह पुनः अपने निश्चित जो मूल स्थान है उनकी तरफ लौट आते हैं। तो इस प्रकार का जो जंतुओं का गमन है उसको अपन माइग्रेशन बोलते हैं, जैसे वेल है, बर्ड है, इंसेक्ट है, बेट है, इनके द्वारा माइग्रेशन जो है प्रदर्शित किया जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे अपन देखते हैं जिनके अंदर ये, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इधर से भी अपने राजस्थान के अंदर कई बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन का मतलब, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान जंतु के जब जिस माध्यम से किया जाता है उस पूरी जो प्रक्रिया है उसको अपन कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर केमिकल, विजुअल, ऑडिटरी और टेक्टाइल, यानी कि किसी रासायनिक जो पदार्थ जब कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है तो उसको अपन केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिससे फेरोमोन्स एक विशेष प्रकार की जंतुओं की तरह स्रावित किए जाने वाले पदार्थ होते हैं जो कि सजातीय सदस्यों को प्रभावित करते हैं। तो एक ये सूचना किसी फेरोमोन्स जो कि केमिकल है जिसके द्वारा कम्युनिकेट की जाती है, तो इसको अपन केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन के किसी को दृश्य को देख करके और किसी बॉडी पोस्चर को देख करके सूचना जब संप्रेषित की जाती है तो उसको विजुअल बोलते हैं। ओडीटी के अंदर किसी आवाज को उत्पन्न करके और साउंड कोर्स है उनको बोल करके सूचनाएं संप्रेषित की। टेक्टाइल के अंदर टचिंग के द्वारा सूचनाएं संप्रेषित की जाती है। तो ये एक प्रकार का बिहेवियर है जो कि एनिमल कम्युनिकेशन के नाम से इंक्लूड किया जाता है। फॉरेजिंग बिहेवियर के अंदर जंतु अपना फीडिंग बिहेवियर शो करता है, उसके अंदर ग्रुप के रूप अंदर, फ्लॉक्स के रूप में, स्कूल्स के रूप में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट होता है भोजन के साथ में, तो इस प्रकार के जो बिहेवियर है उसको अपन फॉरेजिंग बिहेवियर के नाम से जानते हैं। इसी तरह के सोशल बिहेवियर, बहुत सारे एनिमल्स हैं वो सोशल है, बहुत सारे जो इनवर्टिब्रेट्स वो भी सोशल बिहेवियर शो करते हैं, इंसेक्ट वगैरह, दीपक वगैरह सोशल बिहेवियर को शो करते हैं, जिसके अंदर ये अलग उसके सोशल, किसी भी जंतु के सोशल होने के लिए बहुत सारे उसके अंदर करेक्टर्स वो पाए जाते हैं, जैसे डोमिनेंस हायरार्की, इसके अंदर बहुत सारे जंतु होते हैं जिनमें से कुछ जंतु जो है रिसोर्सेज फीमेल्स पे अपना अधिकार आधिपत्य रखते हैं, उसको उनकी जो हायरार्की जो होती है उनके भोजन के लिए, सेक्स के लिए या और किसी के, तो इसको अपन डोमिनेंस हायरार्की बोलते हैं। टेरिटोरियलिटी, इसके अंदर ये अपने फूड और मेटिंग के लिए एक एरिया को फिक्स कर देते हैं। एल्ट्रुइज्म के अंदर अपने ही सजातीय सदस्यों को बचाने के लिए अपने स्वयं का जीवन का त्याग कर देते हैं, इसको एल्ट्रुइज्म बिहेवियर कहते हैं।